वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी और आप देख रहे हैं रजनी की रेसिपी। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं 1 कप गेहूं के आटे से ही नमकीन रोल। नमकीन रोल आपने बहुत कम खाए होंगे। देखिए इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है और इन्हें बनाने के लिए ज़्यादा सामानों की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे घर में होते हैं उन्हीं सामानों से हम इन्हें तैयार करने वाले हैं। 1 कप गेहूं के आटे से बनकर तैयार हो जाते हैं और देखिए हेल्दी इसलिए होते हैं क्योंकि हम इन्हें गेहूं के आटे से बना रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम इन्हें घर जो हमारे घर में सामान होते हैं उन्हीं से तैयार करने वाले हैं। बाजार से जो लाते हैं उनसे भी ज़्यादा हेल्दी ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही करारे भी हैं, क्रिस्पी भी हैं और बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं। आप इन्हें अलग अलग तरीके से मैं आज आपको इसे बनाकर दिखाने वाली हूँ। इन्हें बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 2 महीने इन्हें आप स्टोर कर कर रख सकते हैं। आप इन्हें बाजार यानी कि सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसे एक डब्बे में भरकर ले जा सकते हैं। और इसे चाय के तो ये हमारे साथी हैं ही, जब हम चाय पीते हैं तो ये हमारे काम बहुत आते हैं। तो देखिए ये ले लिया है मैंने, एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए आप, उससे मैंने मैदा लिया हुआ है। देखिए आप गेहूं का आटा ले सकते हैं, मैंने भी गेहूं के आटे से ही बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे पास ही मैदा कुछ बची हुई थी तो इसीलिए मैंने इसे भी यूज कर लिया है। तो 1 कप मैंने लिए हुई है मैदा और उसी के साथ ले लेते हैं। देखिए यही कप लिया हुआ है मैंने गेहूं का आटा, जो कि हमारे घरों में गेहूं के आटा ज़्यादातर सभी के घर में इसलिए होता है, भाई गेहूं के आटे से रोटी बनाई जाती है। रोटी के बगैर चाहे हम कितनी भी चीज़ें क्यों ना बना लें, लेकिन रोटी के बगैर पेट नहीं भरता। तो देखिए गेहूं का आटा ही यूज करना है, हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें डाल लिया है हमने काला नमक। काला नमक इसलिए डाला है कि थोड़ा टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और देखिए मगरेल डाली हुई है जो कि अचारों में डाली जाती है और ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए डाला है। नमक डाल लिया है हमने इसमें, जो सफ़ेद नमक होता है। आप टाटा का यूज करते हैं तो टाटा का जो भी आप खाते हैं वो ले सकते हैं। और देखिए इसी के साथ डाल लेते हैं हम इसमें अजवाइन। अजवाइन को दोनों हाथों के बीच आप क्रश कीजिए और उसे डाल लीजिए, क्योंकि क्रश करके यानी कि रगड़ कर जो डाली जाती है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अजवाइन में से एक सौंधी सौंधी सी जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी होती है और पेट के लिए भी फायदेमंद होती है। तो ये सारी चीज़ इसीलिए डाली जाती हैं कि ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, नुकसान नहीं देती है। और इन्हें सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इन्हें मिला लेंगे। आटे में जितना अच्छी तरीके से आप मिलाएंगे तो उससे अच्छी तरीके से सारे आटे में मिल जाएगी, ताकि हमारे को जब बनाएंगे हम नमकीन रोल तो उसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। और इसमें डाल लेते हैं मोयन। मोयन में आप तेल भी डाल सकते हैं या देसी घी डाल सकते हैं, जो भी आप खाते हैं वो डाल लीजिए, लेकिन मैंने इसमें डाला हुआ है सरसों का तेल। आप सरसों का तेल जब भी यूज करें तो उसे पका कर करें, नहीं तो कच्चे तेल की जो है स्मेल आती है उसमें, जब भी आप कभी बनाएंगे तो एक अलग सी स्मेल आएगी। तो इसलिए आपको जब भी सरसों का तेल यूज करें आप तो उसे पका कर ही यूज करना है और अच्छी तरीके से बाइंडिंग देनी है, ताकि हमारा जो आटा है उसमें अच्छी तरीके से मिल जाए। एक बात बताऊं दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो बनाते बनाते ही चलो बता देते हैं, कहते हैं ना संघर्ष की राह बहुत कड़ी होती है, लेकिन संघर्ष करने वाला जब हार जाता है जल्दी तो वो संघर्ष की कहानी अधूरी ही रह जाती है। लेकिन मेरी भी कहानी कुछ इसी तरीके की है। तो देखिए मेरे पास होता क्या है कि ट्राईपोर्ट की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सब काम होते हैं, लेकिन मेरे लिए ट्राईपोर्ट नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं लगी हुई हूँ, एक ना एक दिन मेरी सफलता मेरा रंग लाएगी ही। और कहानी जितनी संघर्ष भरी होती है उतना ही इसका मीठा फल भी होता है। तो कहानी जितनी संघर्षपूर्ण होगी आपको उतना ही, यानी कि कहानी यानी आपके जीवन में जितना संघर्ष होगा, आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन इस परेशानी से एक ना एक दिन निजात मिल ही जाएगा। तो देखिए बातों ही बातों में हमने अपने आटे में अच्छी तरीके से मोयन लगा लिया है, और दूसरा पानी धीरे धीरे कर कर ही डालना है, ताकि ये पतला ना हो जाए, इसीलिए इसे आप धीरे धीरे कर कर ही इसमें पानी डालिए। तो देखिए बात हमारी अधूरी ही रह गई थी, तो मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरे जैसी कितनी सारी बहनें हैं जो कि YouTube पर काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास इतना साधन नहीं होता, लेकिन वो संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष जरूर करते रहिए, किसी की बातों में मत आइए। कहते हैं कि भाई YouTube पर जो एक कुकिंग का चैनल मत चलाइए, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक वीडियो बनाती है मेरी बहन, वो कहती है कि कुकिंग का चैनल मत बनाइए। देखिए अपने अपने हुनर की बात होती है, कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाता, कोई कुकिंग कर पा ना ही पसंद करता है। तो आप जो भी आप अपने हुनर को पहचानिए, तलाश कीजिए कि आप कर क्या सकते हैं, उसी के
अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यूट्यूब ऐसी बात नहीं है कि सफलता नहीं मिलती, सफलता जरूर मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर में मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। आपको अपना रास्ता बनाकर रखना है और सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए आटा भी हमारा लग गया है बातों ही बातों में, और चलिए इसे अब ढक देते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं, और जो भी आप काम करना पसंद करती हैं वो काम कर लीजिए बीच में, ताकि हमारा आटा भी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। ऐसा बोझ बनाकर आप कोई भी काम ना कीजिए, नहीं तो सफलता में रोड़ा बन सकता है आपकी। और देखिए आटा भी हो गया है हमारा तैयार, और चलिए इसे दोबारा से गूंथ लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ट्राईपॉड की मुझे दिक्कत है, तो मैं आधी वीडियो को आपको नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन होता है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर आप मेरा साथ दें, सपोर्ट दें, तो मैं जल्दी ही ग्रो कर सकती हूँ। तो मेरी जैसी कितनी सारी बहनें हैं, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, वो अपना हुनर दिखाना चाहती हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये लग गए हैं हमारी, जो हमने आटा लगाया था उसे अच्छी तरीके से गूंथ कर मैंने 4 रोटियों से, रोटी जो होती है उसे थोड़ा सा ही बड़ा मैंने इसकी लोई ली है। और इसे अब करते क्या है, एक बेलन ले ली, चकला ले लिया, चकले पर इसे हम अच्छी तरीके से बेल लेते हैं। ये देखिए बेल कर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी तरीके से आपको बेल कर रख लेना है। और चलिए तो अब इसकी मैं कटिंग भी कर कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी बड़ी रोटी बना ली है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए 2 रोटी मैंने तैयार की हुई हैं, और इसकी साइड की जो कटिंग है इसे निकाल लेते हैं, साइड का जो पार्ट है उसे अलग कर लेंगे हम, चारों कोनों को अलग कर कर हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैं इसे चारों तरफ से अलग करूंगी। इसे हमें एक चौकोर बना लेना है, जैसे कि आपने देखा होगा कि चाकू चौकोर करना है, इसके इधर से भी हमने पार्ट निकालने हैं। ये निकाल लिया हमने, और इधर से भी निकालते हैं। अब हमें ये जो हमारे फालतू हैं इसे निकाल लेते हैं, जो हमारा आटा है इसे एक तरफ निकाल कर रखने वाले हैं। अब इसके ऊपर हमें लगा लेना है मोइन, जो भी आप खाते हैं वो मोइन लगा सकते हैं आसानी से। ये देखिए मैं दूसरी भी रोटी साथ ही काट लेती हूँ, क्योंकि साथ काटने के बाद ही आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए बीच में मैंने आपसे ये कहा तो मैं दोनों को ही काट लेती हूँ, काटने के बाद आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनने वाले हैं ये हमारे नमकीन रोल। देखिए ये मैंने वो जो मैंने पहले काट कर रखा था ना पीस, जिसे मैं बोल रही थी कि चकोर, वही चकोर पीस मैंने फिर से रख लिया। तो इसके नाप कर ही हम काटना है, जितना ये हमने लिया हुआ उसी के साइज से हमें काट लेना, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम इसे ऊपर रख लेते हैं, इसके साइड के पार्ट आराम से निकल जाएंगे। देखिए निकल कर तैयार हो गए, अब देखिए बराबर कट चुका है हमारा। अब करते क्या है, देखिए उसे हटा दिया है मैंने, और इसके ऊपर लगा लेते हैं। आप देसी घी लगाइए या फिर ऑयल, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो ही लगा सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे हम, जो भी हमारा ये आटे का पार्ट है। आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं, हाथ से मैं फैला लेती हूँ ताकि सारे में ये लग जाए। अब दूसरा भी देखिए जो मैंने अलग रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर लगा लेते हैं, और इसे सारे में अच्छी तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मिला लेते हैं, अच्छी तरीके से मिल जाएगा। हो गया हमारा तैयार। अब देखिए अब इसे करना क्या है, अब इसे हमें पार्ट को अलग अलग भागों में जितना आप मोटा पतला रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। देखिए मैं रखने वाली हूँ इसे, अब दिखा देती हूँ, इतना बड़ा रख लेते हैं आप इसे। इससे अगर आप इसे इससे पतला रखना चाहते हैं तो इसकी कटिंग थोड़ा पास से कर लीजिए। इसी तरीके से हम सारे को काट लेंगे धीरे धीरे करके। ये देखिए इसी तरीके से मैंने काट कर आपको दिखा दिया है।
मैं फिर से याद दिला दूं कि आपके सपोर्ट, आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो पर जब भी आते हैं तो एक लाइक छोड़कर जाइए, एक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं भी आप जैसे और लोग वीडियो बनाते हैं उनकी तरह मैं आपको दिखा सकूँ इस तरीके। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं दोनों हाथे यूज नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए कहती हूँ कि आपके प्यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जैसी कितनी बहनें हैं, मैं हूँ, तो मैं अपना हुनर दिखा सकूँ। लेकिन होता क्या है, मजबूरी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन कब तक, एक ना एक दिन तो हमारा संघर्ष हमारी रंग लेकर ही आएगा। देखिए लेयर मैं दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके की आपकी भी लेयर बनकर तैयार हो जाएंगी। और देखिए अब इसे काटना है। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो देखिए, या तो आप इसके 3 पीस कीजिए या फिर इसके आप 2 पीस कर सकते हैं। मैं इसके 3 पीस करने जा रही हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि जब कभी मैं मेरी वीडियो भी सही चलने लगेगी, यानी कि सही चलने लगेगी कि वायरल हो जाएगी, तो मुझे जब ये मैं वीडियो देखा करूँगी तो मुझे बड़ी हंसी आएगी भाई कि मैंने कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है, मैंने एक एक हाथ से काम किया है, मुझे मालूम है। तो मेरे जैसी बहनें कभी हार ना माने, दिल छोटा ना कीजिए, मेरी तरह लगी रहिए। देखिए ये हो गया है हमारा तैयार। और चलिए तो अब करते क्या हैं, हमें ले लेनी कढ़ाई, और कढ़ाई में कर लेना है हमें ऑयल गरम। तो जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो उसमें से हल्का से भाप उठने लगती है गरम गरम। अब आप हाथ से चेक कर सकते हैं, और देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पार्ट डाल दिया है, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है, और अब इसमें डाल लेते हैं, ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाल लेते हैं हम अपने जो हमने अभी बनाए हैं नमकीन रोल। देखिए इसे धीरे धीरे कर कर डाल लेते हैं, और इसे जैसे ही हमारा जो तेल है वो गर्म हो जाता है उसे धीमी आंच पर कर लेते हैं। जितनी अच्छी तरीके से सीखेंगे उतने ही अच्छे बनने वाले हैं, और अंदर से करार क्रिस्पी। तो देखिए इसे धीरे धीरे बनाएंगे। ये देखिए हमने जो पहले चेक करा था उसे निकाल लेते हैं, और इसे आप धीमी आंच पर जितना अच्छी तरीके से सेक लेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे, जैसे कि आपने कभी बाजार से लाएंगे उससे भी अच्छे बनकर तैयार होंगे कि लेयरदार हमारी नमकीन रोल बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके से हमने आपको बनाकर दिखाया है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आज के बाद आप बाजार से बिल्कुल नहीं लाएंगे और अपने घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे इस तरीके का नाश्ता। ये नाश्ता घर पर हमेशा बनाकर तैयार रखना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास नमकीन बिस्कुट नहीं होते। और देखिए मेहमान तो ऐसा है कि मेहमान तो घर में आए ही रहते हैं हर दूसरे दिन कभी ना कभी, तो देखिए उस टाइम पर ये हमारे नमकीन रोल और नमकीन खस्ता कारी क्रिस्पी बनने वाली, ये तो ये हमारे काम आते हैं, मेहमानों को बहुत पसंद आने वाले हैं नमकीन रोल। देखिए इस तरीके के आपके बनेंगे, जैसे कि आपने बेकरी से लाते होंगे ना, सेम उसी तरीके से बनकर तैयार होंगे। इसे आप अपने 1 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हैं, 1 से 2 महीने तक। इसमें कोई चीज़ ऐसी पड़ी नहीं है जो ख़राब हो जाती है, बहुत ही यूनिक तरीके से आपको बनाकर दिखाया है हमने आज। देखिए दोबारा से भी हम इसे डाल लेते हैं जो हमारे पास बचे हुए रखे हैं। दो कप गेहूं के आटे से आप इसे 3 से 4 दिन आराम से खा सकते हैं। देखिए हमने सेक लिए, अब हम इन्हें सेक कर दिखा दिया है आपको। देखिए देखने से ही लग रहा है ना कितनी बढ़िया लेयर आई है, और देखिए वो भी मैंने सारे सेक लिए। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तैयार हुए हैं हमारे नमकीन रोल। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, वो तो फ्री में होता है। आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं आ सकते, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए ताकि हम भी अपने हुनर को दिखा सकें। बहुत ही करारे और क्रिस्पी हैं तैयार हमारे ये नमकीन रोल।
तो इस बार ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए, और चाय के साथ ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है। देखने से मुंह में पानी आ जाएगा, और आपके बनाने की तो बहुत ही, क्योंकि हेल्दी इसलिए है क्योंकि हमने इसे बनाया है गेहूं के आटे से। तो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों।